मणिपुर में एक बार फिर हालात बेकाबू हो गए हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए दंगा नियंत्रण वाहनों के साथ आरएएफ को बुलाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं और पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। लगातार पथराव हो रहा है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए दूसरी तरफ से पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे हैं। ताजा हालात को देखते हुए मणिपुर में 15 सितंबर तक इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। इससे पहले स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पूर्वी और पश्चिमी इम्फाल के कई इलाकों में तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लगा दिया गया था। आपको बता दें कि मणिपुर में 1 सितंबर से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जगहों पर आगजनी हुई है। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले तक दागे। उस स्थिति की वजह से ही छात्रों ने सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया। कई इलाकों में बड़ी संख्या में हुजूम सड़कों पर दिखा। उस भीड़ का पुलिस से भी आमना सामना हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। कुछ दिन पहले ही राज्यपाल के घर तक को घेरने की कोशिश हुई थी। रात के समय में टॉर्च मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मणिपुर में फिर से कर्फ्यू का सहारा लेना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट है कि कथित उपद्रवियों के पास अब खतरनाक हथियार पहुंच चुके हैं। हमले सिर्फ बंदूक से ही नहीं हो रहे, बल्कि ग्रेनेड और रॉकेट तक का इस्तेमाल हो रहा। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई 2023 से हिंसा का दौर शुरू हुआ था, लेकिन 16 महीने बाद भी राज्य में शांति बहाल नहीं हो पाई है। जिरीबाम जिले में शनिवार को ही ताजा हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। मणिपुर में हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां हिंसा में शामिल 2 समुदायों के पास अब ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध में किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट है कि सेना इस कदर मजबूर है कि उन्हें एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने पड़े हैं। पहाड़ों और घाटियों में लोगों ने बंकर बना रखे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।